बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। लेकिन क्यों मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है, अभी क्या करूं मैं। तेरा बाप पाया। बहुत भाषण करते हैं आप लोग, एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए, अगर फैसला हमारे हाथ में आया तो आप क्या करेंगे? नहीं आएगा ना। अंजना जी ये भिखारी है, इसका वो सोशल मीडिया का फोटो दिखाओ जिसमें लुंगी पहन के भीख मांग रहा है, एक फटा बनियान है और लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। मैं फोटो भेजूंगा अभी ट्विटर में, भेजूंगा इसका फोटो ट्विटर में भेजूंगा, इस पीरजादा का फोटो। यहाँ आके एक ही सूट पहन के हीरो बनता है। तारिक पीरजादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो, हमारी आर्मी के बॉडी गिराओगे, इतनी हिम्मत तुम्हारी? पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन के आके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। ये बहुत सम्माननीय पीठ है, इसका आप इतिहास देख लीजिए। दिग्विजयनाथ जी उदयपुर से रहे, राजपूत रहे, 1921 में कांग्रेस में रहे, उसके बाद वो हिंदू महासभा में आ गए। गांधी जी की हत्या हुई 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि गांधी जी को मारना चाहिए, ऐसा आह्वान किया, 9 महीने जेल में रहे। आप जिनको वो आपको गुरुजी मानते हैं, पिता तुल्य हैं आपके, अवैधनाथ जी लगातार जुड़े रहे एक आंदोलन से, अयोध्या वाले आंदोलन से, उनके पिता तुल्य थे दिग्विजय जी। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को 5-10 साल के लिए वोटिंग होनी नहीं देनी चाहिए, स्टेटमेंट में खबर छपी हुई है 1950 में। एक ऐसी लाइन है जो हटकर है और जो कड़ी लाइन है, आप भी उसी तरह की बात करते हैं, फिर आपको तो मुझसे क्यों आपत्ति है? नहीं, इसीलिए आप जब मेरी परंपरा को जान रहे हैं तो फिर आपको मुझ पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको तो मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलिए मैं उस अनुसरण, उस लाइन का अनुसरण कर रहा हूं, जो देश को तोड़ना चाहते हैं उन लोगों को हम तोड़ रहे हैं, इस पर तो आपको खुश होना चाहिए।